से माना जाता है ये सुसाइड पॉइंट भी है भाई, ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा चलता है भाई, कितने का है भाई, कितना बेच रहे हो? सो गाइस यहाँ पे बाबा जी जो पंडित जी बोल रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर जी, और ये जो गुफा देख रहे हो ये जय जगन्नाथ। सो ओडिया में बोलना चाहता हूँ गाइज, आज ही होची अमर रथयात्रा ओडिशा रो बर्ड फेस्टिवल है। सो गाइज आज है रथयात्रा फेस्टिवल, 12 जुलाई है आज। आज के दिन पे जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी अपने मौसी के घर जाते हैं, जो कि एक त्यौहार है। ये बहुत सालों से चला आ रहा है, ये द्वापर युग के बाद से श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है हमारे पूरी धाम में, जो कि जगन्नाथ के रूप में, जगन्नाथ भगवान के रूप में। तो आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज की ब्लॉग शुरुआत करते हैं, क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है बताऊंगा, और ब्लॉग एंड तक देखना, सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तब तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। सुबह सुबह नाश्ता चल रहा है गाइस। गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग भाई। और आज है जगन्नाथ रथ यात्रा है गाइस, जो कि पूरी का न्यूज में दे रहे। जय जगन्नाथ। क्या बात बोल रहे हो, बोलो। जय जगन्नाथ, हैप्पी रथ यात्रा। रथ यात्रा खर्चा दियो या नो खर्चा कर, मुई तो महाजन है, ये बिल्डिंग के पे पलों की सोच है। मैनेजर है तो मैं मैनेजर। आई डोंट नो इडियट, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। वेर यू इन कंट्रोल सिंह, गेट गो लोंसन। जय जगन्नाथ। ए जगन्नाथ दिने हिंदी में बोलन, बुझी छ तो के सुन अंदर तो। जय जगन्नाथ मम्मा जी, जय जगन्नाथ। आज ही होछे हमर गुडे बर्ड फेस्टिवल है, केनता लागछ तुमके? जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आज का ब्लॉग भी बहुत खास होने वाला है, जगन्नाथ भगवान के नाम आज, और घर पे अच्छा अच्छा पकवान बना रहे हैं आज। पूरी का हम लोग बस टीवी में देख पाएंगे। मम्मा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना कि रथ यात्रा हमारे यहाँ भी नहीं हो पा रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद ब्लॉग को अच्छा बना रहा है यार, तो सब्सक्राइब करते रहो। मम्मा आप भी एक बार थैंक्स बोल दो, कि आप बोलते हो तो लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स नीचे बोलते हैं, और लाइक कमेंट शेयर करो। टीवी में चल रहा है रथ यात्रा, जो कि गजपति महाराज छेरा पहरा बोलते हैं उड़िया में वो। गाइस रथ यात्रा के दिन पे शॉपिंग, और अवतार के साथ आया हूँ मैं। सत्यम आ रहा है, वेट कर रहे हैं उसका, और वीटू में हम लोग शॉपिंग। ये वाला कलर भी सही लग रहा है भाव, ये भी अच्छा है भाई, अमेरिकन कलर है ये वाला। सो गाइस आप देख सकते हो अवतार अभी खिलौना खरीद रहा है, और ये चलता भी है, अच्छा चलता है भाई। कितने का है भाई, कितना बेच रहे हो? सही है भाई, 175। और टेडी बियर भी बहुत सारा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, अच्छा अच्छा। यात्रा टाइम शॉपिंग चल रहा है भाई, हम सत्यम को वेट कर तक पहुँचा नहीं है भाई, क्या बताएं। और अवतार और मैं बोरिंग हो रहे थे, तो हम लोग खिलौना देख रहे हैं अभी, आप देख सकते हो पीछे। तो भाई ये वाला मैं पैक कर रहा हूँ, मैं तो ये वाला ले रहा हूँ भाई कार्गो, और अवतार ने चूज कर लिया एक जीन्स, और सत्यम चूज कर रहा है अभी आने के बाद वो। कलरफुल बॉल विथ वॉलीबॉल, एक बोतल काम आता है राइडर लोगों के लिए। और सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं हम लोग। क्रिकेट बैट भी अच्छे रे। सो गाइस बैट देख रहा था यार, लेकिन बैट अभी छोटे लोगों के लिए। सो गाइस फाइनली डिसाइड हो चुका है, एक शर्ट लिया हमने, सत्यम भी पहुंच चुका है अभी, और दो टी शर्ट चूज किया अवतार ने, अच्छा लगा भाई। और सत्यम ने भी एक चूज कर लिया है शर्ट। के लिए लाइन कम है भाई, उतना ज़्यादा है नहीं, आप देख सकते हो।
शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है और हम लोग रथ यात्रा का शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है, अब जा रहे हैं हम लोग घर। पूरा पैक्ड हो चुका है भाई। बाइक कहाँ गया? बाइक कहाँ पे पार्क है? सो गाइस बाइक पार्क ये रहा और सत्यम का बाइक उधर है और ये हम दोनों आए थे। 2 hours later. गाइस शाम का अभी 5 बज चुका है और सीन्स कुछ ऐसा है कि लंच कंप्लीट कर लिया था और वीटू से शॉपिंग करके आने के बाद लंच कंप्लीट करके रेस्ट लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो रथ यात्रा है, रथ यात्रा फेस्टिवल तो नहीं मनाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग घूमेंगे और कहाँ जा रहे हैं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अवतार आया है ना इसीलिए, सो इसको मैं घुमा रहा हूँ हमारे सिटी के आसपास जो भी अच्छा अच्छा प्लेस है। और बैग्स लेके जा रहे हैं, पावर बैंक है इसमें अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो, और पानी का बोतल। अवतार रेडी हो चुका है, क्लाइमेट भी गजब कर रखा है भाई, आप देख सकते हो बहुत अच्छा। सो गाइस स्टार्ट करता हूँ, अवतार गया है हमारा जुगाड़ वाला दरवाज़ा खोलने के लिए। घर से तो हम निकल चुके थे घूमने के लिए, अवतार को घुमाने लेके जा रहा हूँ भाई में, और प्रिंस भी आया हुआ है, वेट कर रहा हूँ, प्रिंस आ रहा है अभी। एक दोस्त है, भाई है हमारा, तो टाउन में बारिश हो गया भाई अभी, जस्ट बारिश को थोड़ा सा रुकने देते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। बारिश हो रहा था तो अभी हम लोग छुपे हैं यहाँ पे और हमारा एक भाई आ रहा है प्रिंस, तो प्रिंस का वेट कर रहे हैं गाइस हम लोग अभी। जस्ट हमारा प्रिंस भाई पहुँच चुके हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और हम लोग अभी एक घूमने के लिए जा रहे हैं, मीट माय ब्रदर अवतार। हे गाइस, और ये सत्यम। तो गाइस प्रिंस और सत्यम जा रहे हैं, हम लोग अभी अवतार में मेरे बाइक पे जाएंगे अभी। गुपचुप खाने के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे, मसाला वाला गुपचुप, दही वाला गुपचुप। हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, कहाँ जाएंगे पहुँचने के बाद बताते हैं। प्रिंस भाई को देखे होंगे जो मैरिज वीडियो में डांस कर रहे थे, ये उस टाइम ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही है कुछ चेंज नहीं हुए। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं, डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा राइट साइड है। सो प्रिंस और सत्यम पहले पहुँच चुके हैं, वो आगे आप देख सकते हो बाइक उनका, तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, पहाड़ी एरिया है, बहुत अच्छा लगेगा। ये पहले भी ब्लॉग बना चुका हूँ यहाँ पे आके, ये विजिट सेकंड टाइम है, अवतार आया है इसीलिए। 21 साल पुराना मंदिर है गाइस, जी शिव जी का मंदिर है, 21 साल पुराना। जय जगन्नाथ गाइस, जय जगन्नाथ। सो गाइस जगन्नाथ फेस्टिवल के दिन पे हम लोग जगन्नाथ मंदिर तो नहीं, हम लोग आए हैं हनुमान, हाँ शिव जी का मंदिर है ये, और शिव जी का मंदिर और हनुमान जी का भी बहुत बड़ा सा मूर्ति है। अंदर चलते हैं, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला ब्लॉग पहले भी आ चुका है लेकिन ये इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि प्रिंस भाई ये भी हैं और अवतार भाई भी है साथ में, ये तो एक मॉडलर है और हमारे प्रिंस भाई, प्रिंस भाई हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं। हम लेके सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम लोग, देख सकते हो, और ये अवतार भाई, प्रिंस भाई, सत्यम और मैं। ब्लॉग कैसा लग रहा है गाइस बताना, ये हमारे होम टाउन के पास में ही है, ऐसे ऐसी जगह आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत मज़ेदार कंटेंट है ये। सो गाइस स्पॉट्स देख सकते हो यहाँ पे, हिंदी सीरियल या फिर ओडिया सीरियल का शूटिंग भी कर सकते हो आप लोग। सस्पेंस वाला म्यूजिक वीडियो दिया हमें। सो गाइस ऐसे माना जाता है ये सुसाइड पॉइंट भी है भाई। ऐसे लग रहा है मुझे कि कोई अगर गिरता है यहाँ से नीचे तो बचना नामुमकिन है। 50-60 फीट के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। और ऐसे माना जाता है अभी कि मन्नत पूरा होगा यहाँ पे, जो आएगा दर्शन करके जाएंगे हम लोग। अरे भाई पिछले हम लोग आए थे यार 6-7 महीने पहले, ये था नहीं ये वाला, चेंज हो गया है ये, सही में ये वाला गाइज पिछला ब्लॉग अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला नहीं था, ये वाला घर हो भाई शायद पार्टी के लिए बनाए होंगे। थैंक यू। और पीछे का व्यू देख सकते हो गाइज, ऑसम, वेदर भी बहुत अच्छा है। मंदिर का दर्शन भी किया जाएगा और यहाँ का लोकेशन देखो गाइज बहुत अच्छा है। और हमारा अवतार भाई फोटो शूट करने पे बिजी है अभी, प्रिंस भाई फोटो शूट कंप्लीट हो चुका है भाई लोग, हाँ हो गया। और यहाँ से भाई गजब का सीनरी है,
कोई अगर पैर खिसका तो पूरा सीधे बिग बॉस के घर पे ऊपर जाओगे लेकिन सीधे जाओगे लेकिन ऊपर ही चले जाओगे सही में। और गजब का क्लाइमेट देख सकते हो गाइस, ऑसम। उस तरफ धूप हो रहा है गाइस, देख सकते हो आप। जहाँ पे रहता हूँ हमारे घर के आसपास पूरे हिल्स ही हिल्स, आप देख सकते हो इस तरफ से मैं कैमरे घुमा रहा हूँ, मतलब चारों तरफ आपको पूरे हिल्स ही नजर आएगा। ये देखो पूरा पीछे का नजारा, पूरा हिल्स ही व्यू है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ऐसे लगता है कि भाई एक पहाड़ के ऊपर मंदिर बनाना कोई आम बात नहीं है यार, कैलाशगिरी का सेकंड है ये भाई जा कैलाशगिरी। सो अच्छा लग रहा है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा कर रखा है। फैमिली के साथ आ सकते हो, लेकिन श्री अभी मायके में इसीलिए उनको लेके नहीं आए, वो बिजी है रथ यात्रा एंजॉय कर रहे हैं। मैं प्रिंस भाई, आपका ये कितना बिजी हो चुका है, दो तीन बार आ चुके हो यहाँ पे? हाँ बहुत बार। अवतार तेरा फर्स्ट विजिट है ना तेरा? जी बोवा, ये मंदिर कितने वर्ष है लाना इटा? एक वर्ष वर्ष इटा गांव वाले कौन इच्छन की गाना? गांव वाले का सब सौंदर्य कुछ रमोदान है। ओहो इटा इतने ठिकादार मुझे ना इटा 30,000 टका ऑनटेड फोन रूप 15,000 टका दुबक संग वाले इटा क्या करी करी नहीं नहीं बहुत कथा। अच्छा गाइस, अभी बाबा जी से जो पंडित जी हैं मैं बात कर रहा था उनसे, 21 मतलब वर्ष पीछे ये बनाया गया था, 21 साल हो चुका है कंप्लीट इस मंदिर को, 21 ईयर ओल्ड। और पीछे का व्यू भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला अभी अभी बनाया गया हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे बाबा जी जो पंडित जी बोल रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर जी, और ये जो गुफा देख रहे हो ये प्रस्थान द्वार है। यहाँ से आप अभी तो जाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से अगर आप जाओगे तो और एक गुफा एग्जिट है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओ सॉरी सॉरी गाइस, ये वाला नहीं है, ये वाला भी मंदिर है। हाँ हाँ, ये मंदिर था, ये जगन्नाथ भगवान जी का पूजा किया जाता था, जय जगन्नाथ। और इधर गुफा है, एंट्री होता है, एग्जिट। तो कैसा लग रहा है गाइस आप लोगों को यहाँ पे आके? सो मच फन। अवतार भाई बोलिए। हाँ जी, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा। और इधर एग्जिट पॉइंट है, इधर से आप आ सकते हो ये वाला गुफा। तो अभी हमने भाई लोग फोटो शूट करने आए हैं यहाँ पे। कहाँ से हो तुम लोग? भोजपुर से हैं। और ये भाई लोग हम लोगों का पिक क्लिक कर चुके हैं जो डिस्प्ले होगा। थैंक्स ब्रदर, और चैनल देखना, एंजॉय करना, ठीक है? शुभम सनराइज के नाम से। और अभी दर्शन वर्शन कम्प्लीट हो चुका है, अभी हम लोग प्रस्थान का टाइम आ चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। अरे वो लिया वो पानी पूरी। और बारिश हो रहा था, बारिश भी रुक गया है। और यहाँ पे एक गांव भी है छोटा सा पीछे, और मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप लोग देख के समझ जाओगे कि क्या क्या आज ये है आज का इंडिया, मतलब सही है भाई, मजे करो, क्या बोल सकते हैं। अभी अभी जस्ट मंदिर दर्शन किए, आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। ये हमारा खरिया होम टाउन से पास में ही है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे। और ब्लॉग कैसा आ रहा है आप लोग बताना गाइज, और जितने भी भाई लोग हैं नाम मैंने बता चुका हूँ, FB पे इंस्टा पे जाके फॉलो करो उनको। 2 hours later सो गाइज, हम लोग गए थे शिव जी का मंदिर और दर्शन करके आ रहे हैं, और रात का वक्त हो चुका है, टाइम अभी 8:30 बज चुका है, और हम लोग अभी खरियार पहुंचने वाले, और हम लोग यहाँ पे स्नैक्स कर रहे हैं, रोटी के साथ पनीर खा रहे हैं गाइस। और आप लोग सिद्धांत फास्ट फूड के नाम से इनका ठेला है, खरियार से बस 2 किलोमीटर दूरी पे है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास में ही है, नज़दीक में है।